हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस मल्टीपल अपडेट वाली वीडियो में। बहुत सारी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पुष्पा 2 की टीजर को लेकर के गजब का रिएक्शन देखने को मिला है, गजब का रिव्यू देखने को मिला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे उमेश सांधो से। मुझे पता है कि नाम सुन करके आप लोग थोड़ा सा इरिटेट हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ही अतरंगी इधर उधर की ट्वीट वगैरह आता रहता है उसका, लेकिन फिल्मों को लेकर के काफ़ी सही भी आता है दोस्त। मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है, जितना मैंने मार्क किया है, कई सारी फिल्मों को वो लेकर के अच्छा बोला है, लेकिन यहाँ पे पुष्पा 2 के टीजर को लेकर के जिस तरह की एक्साइटमेंट, जो पॉजिटिवनेस देखने को मिला है ना, बात करने लायक है दोस्तों के। तो टीजर और अल्लू अर्जुन के स्टाइल स्वैग के तो सही बोला है, लेकिन उसके साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी वो बता दिया है कि इंडिया में सिर्फ 1000 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है पुष्पा 2 को, जिस तरह का स्टेटमेंट है, और ये मुझे बड़ा गजब का लगा। और वैसे भी पुष्पा 2 मूवी को लेकर के उस तरह का फीलिंग्स है हमारा कि ये फिल्म बड़ा ही झंडा गाड़ेगी। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। 8 अप्रैल को तो टीजर आ ही रही है, बड़ा मजा आएगा। थलपति 69 मूवी के बारे में बात करेंगे। थलपति 69 मतलब थलपति विजय सर की आखिरी फिल्म जो है एच विनोद के साथ आ रही है, और इस फिल्म में थलपति विजय सर की जो फी देखने को मिला है भाई साहब कड़क है, 250 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, कुछ इस तरह का अपडेट देखने को मिला है, बज उठा है। ओके, आगे चल करके कितने में फाइनल हो रहा है क्या पता, लेकिन 250 करोड़ भाई साहब, झूठ मूठ का भी 250 करोड़ कैसे हो सकता है यार, गजब है। शायद थलपति विजय सर की आखिरी फिल्म है, इसी वजह से कुछ इस तरह का रेमुनेशन उनका देखने को मिल रही है। कोर्ट मूवी के बारे में बात करेंगे थलपति विजय सर की, जो कि इसी साल हमें देखने को मिलने वाली है उनकी नेक्स्ट फिल्म जो है, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वेंकट प्रभु, और वेंकट प्रभु कल प्रभु देवा को लेकर के एक पोस्टर साझा किए थे, प्रभु देवा जी को उनके बर्थडे पर विश किए थे। तो वो कोरियोग्राफर नहीं, मतलब फिल्म में एक किरदार में नजर आएंगे शायद, जिस तरह की मतलब गाउन वन लेकर के जो फिल्मी स्टाइल, मतलब एक किरदार वाला पोस्टर था एक्चुअली में। और बोला जाता है कि द गोट मूवी में कई सारे कैमियोज वगैरह है, गेस्ट रोल वगैरह है, जो कि बहुत सारे सरप्राइजेस हैं इस फिल्म में। ओके, और देख करके पोस्टर देख करके फील होता है भाई कि थलपति विजय सर की बहुत ही कमाल का ये फिल्म होने वाली है, इसी साल ही देखने को मिल रही है, रिलीज डेट पता चल जाएगा तो मजा आ जाएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं जूनियर एनटीआर के बारे में। जूनियर एनटीआर की वर्टू और देवरा को लेकर के बड़ा ही गजब का अपडेट देखने को मिला है। वर्टू मूवी को लेकर के अपडेट देखने को मिला है कि फिनलैंड से एक ट्रेनर को हायर किया गया है जूनियर एनटीआर के लिए, उनकी एकदम से जबरदस्त खूंखार वाले रूप के लिए, एक्चुअली बहुत ही गजब का लुक्स देखने को मिलेगा जूनियर एनटीआर का हमें। और इसी महीने मतलब अप्रैल के मिडिल तक जूनियर एनटीआर जो है वर्टू के शूटिंग में जुड़ जाएंगे। देवरा मूवी को लेकर के अपडेट हमें देखने को मिला है। टी सीरीज की तरफ से कल एक इशारा देखने को मिला है कि बहुत ही जल्द देवरा मूवी का फर्स्ट सिंगल जो है वो रिलीज हो सकती है। भाई देवरा मूवी बहुत कमाल का रहेगा, मैं स्पेशली इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, तो इसका सॉन्ग आ जाएगा तो बड़ा मजा आएगा। चलिए इस वीडियो पे हम कुछ ओटीटी स्ट्रीमिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे कि गामी मूवी को लेकर के लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और फिल्म भी बिल्कुल खरी उतरी और फिल्म को लोग बहुत ही ज्यादा तारीफ किए हैं। तो गामी मूवी जो है हमें G5 पे 12 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। प्रेमालू एक मलयूड मूवी जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा तारीफ किए कि फिल्म बहुत अच्छी है, कॉमेडी है, एक लव स्टोरी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो प्रेमालू मूवी जो है वो डिज्नी प्लस स्टार पे हमें देखने को मिलेगा वही 12 अप्रैल को। और शैतान मूवी का भी रिलीज डेट हमें पता चल चुका है कि नेटफ्लिक्स में हमें 3 मई को देखने को मिल जाएगा। गाइस, बात करेंगे राजा साहब मूवी के बारे में। डार्लिंग प्रभास की राजा साहब मूवी की अभी शूटिंग चल रही है, संजय दत्त और प्रभास दोनों की शूटिंग चल रही है अभी, कुछ इस तरह का अपडेट हमें देखने को मिला है। हम पहले सोच रहे थे कि प्रभास इस फिल्म में भूत बनकर के आएंगे, कुछ इस तरह का अपडेट हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन आज की ताजा अपडेट ये कहती है कि संजय दत्त इस फिल्म में भूत है। ओके, मतलब प्रभास के वो दादाजी होने वाले हैं और उनका मृत्यु हो जाएगा, और वो मरने के बाद भी प्रभास को दिखेंगे और दोनों दादा पोता मिल करके, मतलब उनकी जो आत्मा है, उनकी जो भूत वाला जो किरदार है, वो एक्चुअली डार्लिंग प्रभास की जीवन को अलग दिशा पे लेकर के जाएगा, कुछ इस तरह का स्टोरी लाइन होने वाली है बोल करके देखने को मिल रही है। आगे चल करके पता चलेगा, लेकिन अभी इसका शूटिंग चल रही है। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं टॉक्सिक मूवी के बारे में। टॉक्सिक मूवी की शूटिंग अपडेट देखने को मिला है कि लंदन में शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी कर्नाटक बेंगलुरु में एक भव्य सेट लगाया गया है, वहां पे शूटिंग शुरू हो जाएगा 10 अप्रैल से। ओके, मतलब 10 अप्रैल 2025 में फिल्म शुरू हो रिलीज होगी और 10 अप्रैल 2024 में फिल्म का शूटिंग शुरू हो रही है, तो ये बहुत कमाल की न्यूज़ है। एक साल का ड्यूरेशन है इन लोगों के पास। ओके, तो आप कितना एक्साइटेड हो टॉक्सिक मूवी के लिए कमेंट जरूर करिएगा, जरूर होंगे भाई, रॉकिंग स्टार यस की नेक्स्ट फिल्म है ना। बात करेंगे फैमिली स्टार मूवी के बारे में, जो कि कल ही रिलीज हो रही है, विजय देवरकोंडा मृणाल ठाकुर की, और ये फिल्म जो है तेलुगु और तमिल में ही कल रिलीज हो रही है दोस्त, हिंदी में नहीं आ रही है। हिंदी की अगर बात करें तो वो 2 हफ्ते के बाद हिंदी में आएगा, शायद डायरेक्ट ये OTT पर आ जाए थिएटर में और नहीं आएगा हिंदी में, शायद ऐसा भी हो सकता है सिनेरियो। अगर हिंदी में रिलीज करना होता तो कल ही रिलीज कर देते, 2 हफ्ते के बाद क्यों रिलीज करेंगे, है ना। तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्टली हमें OTT पर ही देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्सन इसका। मैं हिंदी वर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब था, पर क्या करें, दिल टूटा थोड़ा सा। ओके,
रश्मिका मंदाना का केमियो है इस फिल्म में, मजा आएगा, गीता गोविंदन का वाइब्स मिलेगा जरूर, और कुछ ऐसा स्टेटमेंट था भी विजय देवरकोंडा का, कितने दूर तक ये सच होता है वो देखने को मिलेगा। इसकी सेंसर रिपोर्ट देखने को मिल चुका है कि यूए सर्टिफिकेट मिला है फिल्म को, और इसका ड्यूरेशन जो है 2 घंटे 43 मिनट समथिंग इसका ड्यूरेशन होने वाली है फिल्म का। ओके, अच्छा खासा फैमिली एंटरटेनर होने वाली है दोस्त, कल तो बड़ा मजा आएगा लिटरली। इस मैदान मूवी का भी सेंसर रिपोर्ट आ चुका है कि मैदान मूवी का ड्यूरेशन जो है 3 घंटे की फिल्म होने वाली है दोस्त, 3 घंटे 1 मिनट समथिंग इसका राउंड टाइम होने वाला है मैदान मूवी का, और फिल्म को 0 कट लगे हैं, किसी भी डायलॉग को चेंज नहीं किया गया, कोई भी सीन को चेंज नहीं किया गया, मतलब क्या ही लेवल का फिल्म बनाए हैं एक्चुअली मैदान। ओके, और बस हाँ, बस कुछ मतलब रिक्वेस्ट किया गया है कि फिल्म में हीरो जो है मतलब अजय देवगन जो है वो हमेशा सिगरेट पी रहे हैं, तो मतलब वो जो लगाएंगे टैग लगाएंगे कि धूम्रपान निषेध, मतलब वो जो टैग लगता है ना वो वाला टैग लगाया जाएगा, और स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर रहेगा जो कि बताया जाएगा कि एकदम से ये सच नहीं है, थोड़ा सा फिल्मीपना इसमें है बोल करके एक डिस्क्लेमर ये लोग देंगे। तो 2 चीज़ों का बस निर्देश मिला है सेंसर रिपोर्ट से, नहीं तो 0 कट 0, कोई डायलॉग चेंज नहीं हुए, कोई सीन चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, 3 घंटे 1 मिनट तक का इसका ड्यूरेशन होने वाली है मैदान मूवी का। भाई मैदान मूवी का सेकंड ट्रेलर देख करके, फाइनल ट्रेलर देख करके मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूं, 10 अप्रैल बहुत मजा आने वाली है। 10 अप्रैल की बात हो रही है तो बड़े मियां छोटे मियां मूवी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्टर कहते हैं कि ट्रेलर कुछ भी नहीं है, ट्रेलर को देख करके आप लोग क्यों इतना ओवर एक्साइटेड हो जा रहे हो कि हम ट्रेलर में बहुत कुछ दिखा दिए हैं, पूरा का पूरा फिल्म दिखा दिए हैं बोल करके। फिल्म में बहुत सारा कुछ है जो कि आपको ट्रेलर में देखने को नहीं मिला है, और फिल्म बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त होने वाली है, कुछ इस तरह का उनका स्टेटमेंट है। और वैसे भी अली आवाज़ जाफर है तो उनके ऊपर बिलीव तो जाता है। और एक दमदार अपडेट इस फिल्म को लेकर के देखने को मिला है कि पठान और जवान में जो एक्शन कोरियोग्राफर थे उनका नाम है क्रैक माकरे। ओके, क्रैक माकरे करके एक्शन कोरियोग्राफर है जो कि पठान और जवान की एक्शन कोरियोग्राफी करे थे। ओके, तो उस लेवल का हमें एक्शन इस फिल्म में देखने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा भाई, वो भी टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार के हाथों, तो बहुत जबरदस्ती होने वाली है। इस बात करेंगे टॉक लाइव मूवी के बारे में। मैं अभी अभी हाल ही में आपको एक अपडेट दिया था कि दिलकर सलमान और जयम रवि जो है इस फिल्म से अभी जो हट गए हैं, तो दिलकर सलमान की जगह पे हमें एसटीआर को देखने को मिलेगा, तो जयम रवि की जगह पे हमें अरविंद स्वामी को देखने को मिल रही है, कुछ इस तरह का अपडेट हमें देखने को मिला है। तो आप गाइस मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि टॉक लाइव में आप जो दिलकर सलमान को देखने वाले थे उसकी उनके जगह पे अभी हमें दिलकर एसटीआर को देखने को मिलेगा, और जयम रवि की जगह पे अरविंद स्वामी को देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आप एक्साइटेड हो क्या, या फिर दिलकर सलमान और जयम रवि के लिए थोड़ा सा दुखी है आपके मन में? सच बताऊं तो अरविंद स्वामी एक लेवल की एक्टर है, उनकी मतलब उनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त रहता है, देखते हैं क्या हो रहा है आगे। खैर, इसकी शूटिंग जो है बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। एंड ऑफ दिस वीडियो हम बात करेंगे आरू जीवितम मूवी के बारे में, क्या ही काम करे हैं भाई पृथ्वीराज सुकुमारन, है ना, अभी उनका ही बोला वाला हो रहा है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे एक चीज बता देना चाहूंगा कि पृथ्वीराज सुकुमारन वाकई में वो दर्द को झेले हैं भाई, मतलब तीन वो जो एक न्यूड वाला सीन होता है ना, मतलब आरू जीवितम मूवी आप देख चुके होगी, नहीं अभी 7 दिन हो चुका है फिल्म को रिलीज हुआ। ओके, तो उसमें जो एक न्यूड वाला सीन जो होता है, मतलब नाजिब को जब घर जाना होता है तो उस टाइम पे जो ड्रेस वगैरह चेंज करता है उस टाइम पे एक न्यूड वाला सीन होता है, तो वहां पे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन को एकदम से मतलब एक गजब की हालत में देखने को मिलता है, उनके शरीर के बारे में, उनका पूरा जो पेट पूरा एकदम से पूरा समा गया होता है, कुछ इस सब्र एकदम से बहुत ही हालत में देखने को मिलता है। तो वो जो हालत है ना, एक्चुअली वो सीन को शूट करने से पहले 3 दिन तक वो खाना नहीं खाए थे दोस्तों के, वो शूट को मतलब जिस दिन उसका शूटिंग था, वो जो न्यूड वाला सीन था उसका शूटिंग था, उस दिन से 3 दिन से पहले वो खाना वाना कुछ नहीं खाए थे, और 1 दिन पहले पानी भी नहीं पिए थे, मतलब उनका यही कोशिश था कि उनका शरीर एकदम से रूखा लगे, मतलब जलहीन लगे, कुछ इस तरह का उनका कोशिश था, और वो चल भी नहीं पा रहे थे। ओके, वो चल भी नहीं पा रहे थे, उनके हाथ पकड़ करके लेकर के जाते थे, कुर्सी में बिठा देते थे, और वो जो फिल्म है वो जो गिर पड़ जा रहे हैं ना, एकदम से चल भी नहीं पा रहे हैं, है ना, तो उस कदर हालत वो लिटरली अपना कर ही दिए थे कि वो चल ही नहीं पा रहे थे, उतना अपने शरीर को वो इतना मतलब इस कदर वो डेडिकेशन दिखाए हैं, उस कदर पूरा अपने हालत को बिगाड़ दिए थे एक्चुअली में, ताकि वो एकदम से रियल लगे, मतलब कोई इंसान चल पाएगा और उसको एक्टिंग करेगा कि मैं चल नहीं पा रहा हूं, तो वो वहां पे पकड़ा भी जाएगा कभी कभी, है ना, कभी कभी पकड़ा भी जाएगा कि नहीं ये चल पा रहा है लेकिन यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन जो है ना वाकई में चल नहीं पा रहे थे, कुछ इस तरह अपनी हालत को वो बिगाड़ दिए थे एक्चुअली में। ओके भाई, ये डेडिकेशन के लिए ना उनको तो
सलाम है यार, सैल्यूट है। ओके और ये फिल्म ना गाइस एक्चुअली बननी भी चाहिए थी। ओके बननी भी चाहिए थी। नाजिम मोहम्मद जो दर्द झेला है वहाँ पे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है। ओके बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है, कुछ मतलब 8 फिल्मों के लवर के लिए है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें। भाई कौन सी फिल्म फिर सबके लिए है, है? कौन सी फिल्म सबके लिए? कोई मास फिल्म, कोई रोमांटिक फिल्म, ये सारी फिल्में सबके लिए है। और आलू जी भी तो सबके लिए नहीं भाई, ये फिल्म ऐसी फिल्म है सबके लिए है एक्चुअली में। ओके नाजिम मोहम्मद जो कि इतना दर्द झेला है, इतना सब कुछ, तो ये चीज जो है ना लोगों को पता होनी चाहिए थी। ओके और ये फिल्म बनना बहुत जरूरी था। और इस तरह का डेडिकेशन, 16 साल तक का डेडिकेशन जो है पृथ्वीराज सुकुमारन जो दिखाए है ना भाई, उनको तो सलाम है जो कि वो इस फिल्म में जुड़े हैं। मेरे ख्याल से पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। ओके भाई मजा आ गया लिटरली, पृथ्वीराज सुकुमारन जी का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया इस फिल्म में। ओके और 6 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिपोर्ट हमारे पास आया है जो कि 40 करोड़ तक का इसका, 40 करोड़ से ज्यादा तक का इसका नेट कलेक्शन हो चुका है, इंडिया नेट कलेक्शन। और वर्ल्ड नेट कलेक्शन जो है 90 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तो आज की डेट में ये 100 करोड़ को पार कर लेगा भाई। आज देख लेना आडू जीवित मूवी की तरफ से 100 करोड़ पूरा होने का जश्न वाला अपडेट आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि आडू जीवित मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा? मॉलीवुड फिल्म का ये फर्स्ट 300 करोड़ प्लस वाली कलेक्शन हो सकती है क्या? मुझे तो उम्मीद हो रहा है कि 300 करोड़ शायद हो ही जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। हो जाता यार, हो जाता, बहुत ही कड़क नंबर हमें देखने को मिल चुका रहता एक्चुअली हर जगह पे, अगर फिल्म को सही ढंग से रिलीज करते तो। बस ये फिल्म कहाँ चल रही है? ओवरसीज में चल रही है और जो उसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है मलयालम लैंग्वेज है वहाँ पे चल रही है, बाकी हिंदी तेलुगु तमिल इन सारे लैंग्वेज में तो नहीं चल रहा है ना। अगर इन सारे लैंग्वेज में चलता हर जगह पे एकदम से सही ढंग से फिल्म को रिलीज करते ना, तो अभी इसका नंबर बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त रहता, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी फिल्म लगा हुआ है ना लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं एक्चुअली में। ओके आप मुझे कमेंट जरूर करना भाई कि आडू जीवित मूवी अभी तक आप देख चुके हो कि नहीं, अगर देख चुके हो तो आपको कैसा लगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।